आज 12 अगस्त 2022 और इस वक्त मैं अल्लावाला टाउन की ये फिरोज़ा खातून वुमन कॉलेज के बाहर का जो मंज़र है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरी तरफ क्रिक व्यू एकेडमी यानी स्कूल के बाहर और नाला जो है वो भरा हुआ है। ये जो आप नज़र आ रहा है वो नाला है। यहाँ एक साहब जो हैं वो कुछ कहना चाहेंगे। जी भाई, सिंध गवर्नमेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है और मैं दिल से और जिस्मानी तौर पे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ। ये आप वो वाले ज़रा कचरा दिखा रहे हैं, आप वो सामने आपको कचरा दिख रहा है, ये जो नाला है ना ये तकरीबन 5 फीट चौड़ा नाला है, और इस नाले का और रोड का कोई समझ नहीं आती कि ये रोड है या नाला है। देखें, कैंटोनमेंट बोर्ड CBC जिस जगह भी सड़क को बनाती है उसके साथ बरसाती नाला छोटा सा बनाया जाता है। सिंध गवर्नमेंट का हमने पूरे कराची में घूमता हूँ, मैंने कहीं बरसाती नाले देखे नहीं हैं, और अगर किसी जगह देखे हैं तो उसका ये आलम है, ये देख ले खुले हुए हैं। अब इसमें से मुझे ये बताएं, फिर आप लोग कहते हैं खवातीन गिर जाती हैं, बच्चे गिरते हैं, अब मुझे बताएं इसकी बारिशों से कोई, आज से 25-30 दिन पहले सफाई भी हुई थी, हमें समझ आती है सफाई की थी सिंध गवर्नमेंट ने, मगर सफाई करने के साथ साथ आपने वही कचरा निकाल के बाहर रख दिया। अब ये कचरा जो बाहर रखा है तो वो मजीद थैलियाँ और कचरा मजीद ला के इसके अंदर डल रहा है और जा रहा है, फिर नाले बंद हैं। अब ये कल रात को बारिश हुई है 11 अगस्त को 12 को, अब ये रात को पानी चला नहीं है, अब आगे नाला बंद है, और जब नाले बंद हैं तो पानी तो यहीं खड़ा रहेगा, जब पानी यहीं खड़ा रहेगा तो इस पर मच्छर पैदा होंगे, बीमारियाँ पैदा होंगी, और ये जो दाएं बाएं रहने वाली आबादियाँ हैं, बसने वाले लोग हैं, इनके बच्चे इस गटर के नालियों के कीड़ों के साथ ज़िंदगी कैसे जिएंगे। मेरी सिंध सरकार से दरख्वास्त है, खुदारा पैसे को पॉजिटिव वे में लगाएं। अगर आप पैसे को लगाते हैं तो इस तरह लगाएं कि किसी इंसान का फ़ायदा तो हो। आप लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हैं मगर यहाँ की सूरत हाल देखें, क्या सूरत हाल है, घोटे गिटे तक पानी होता है, यहाँ पे नाला और सड़क समझ नहीं आती कहाँ पे है। ये स्कूल है, आप स्कूल और कॉलेज के सामने दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? दुनिया के किस इलाके में, किस यूरोप के किसी कंट्री में या एशिया के किसी कंट्री में जाए स्कूल के सामने गटर के नाले इस तरह खुले हुए होते हैं? हमारे गटरों में, घरों में गंदा पानी क्यों सर? कब तक ये चलेगा? सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए काम करें तो सीधा करें। आपने कहाँ पोस्ट करना है? मेरा अपना चैनल है, ठीक है, कराची दागिया। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सिंध का बजट जो है वो हर साल धमाके के साथ बढ़ता चला जा रहा है, और करंट ईयर में यानी सिर्फ एक साल में 26,400 करोड़ रुपए से बढ़ा है, यानी इंक्रीज जो हुआ है इस साल वो 26,400 करोड़ रुपए से। और ये कहाँ जा रहा है पैसा? कराची की आबादी 31% इनके हिसाब से है, वो 31% तो हमें दे दें भाई, वो भी नहीं है। और इस हद तक कराची के साथ जुल्म है कि कचरा भी नहीं उठाया जाता है, कि जो सिर्फ सिंध बजट का 1% भी नहीं बनता है, वो भी कराची को नहीं मिलता, उसकी वजह से बीमारियां फैलती है, आलूगी, ये सब इससे मसले बने हुए हैं। मैं सिविल सोसाइटी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि सियासी तौर से कराची मफलूज है, सिर्फ लोग, सिर्फ पार्टियाँ, जितनी पार्टियाँ, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, या अपनी PTI हो, और जमात इस्लामी PSP, सब पार्टियाँ जो हैं वो सिर्फ कुर्सी के चक्कर में हैं कि यहाँ की सीट हमें मिल जाए और हम इसके ऊपर राज करें। मैं सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना किरदार अदा करें, आगे आएं और कराची को बचाने के लिए अपनी कंट्रीब्यूट करें। शुक्रिया।